हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 6 अमेजिंग फीचर्स जो या तो ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं। इन अ नटशेल सारी चीज़ें टेस्ट हो रही है और आपके पास में ये सभी चीज़ें बहुत जल्दी आ ही जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरे नए चैनल अखिल एडिट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। लेट्स टारगेट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स देयर। वहाँ पे मैं फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत ही रेगुलरली करता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जो कि है न्यू स्टोरी स्विचर। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरफेस में चेंज है। तो यहाँ पे क्या, जैसे आप स्टोरी देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिफ में, तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी देख रहे हो और अगर आपको दूसरे किसी इंसान की स्टोरी में मूव होना है तो आपको क्या करना है, स्वाइप डाउन करना है, ऊपर पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे यूजर के, उसके ऊपर टैप करके उनकी स्टोरी देख सकते हो। फिलहाल के लिए जो ऑप्शन है, अगर आप स्वाइप राइट करते हो या लेफ्ट करते हो तो आप नेक्स्ट यूजर या फिर प्रीवियस यूजर पर जाते हो, आप दो या तीन यूजर छोड़ के एक सेलेक्टिव यूजर पर नहीं जा सकते हो। दिस इंटरफेस माइट वर्क। दूसरा, अभी तक क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे किसी भी दूसरे यूजर के कैप्शन को या कमेंट को कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, ऐप के ऊपर, डेस्कटॉप पे कर सकते हो। बहुत जल्दी आपके पास में इंस्टाग्राम कैप्शन को कॉपी करने की या फिर कमेंट को कॉपी करके बाकी जगह पेस्ट करने का जो फीचर है, ऑप्शन है, वो भी आपको दे देगा। फीचर नहीं है, मतलब आपको एक एबिलिटी दे देगा। अगर आप करना चाहो कर सकते हो। मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसा कर रहा है इंस्टाग्राम, पर क्योंकि कर रहा है, क्योंकि टेस्टिंग है, क्योंकि आने वाला है, तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं इसी तरीके से अमेजिंग इंस्टाग्राम फोटोग्राफी एडिटिंग और भी अमेजिंग वीडियोस करता रहता हूँ। प्लीज़ मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको इंस्टाग्राम से प्यार है या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से प्यार है। तीसरा, एक और इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने ये चीज़ एक्चुअली में साथ में काम कर रहे हैं जो कि है शॉप फॉर इंस्टाग्राम और शॉप फॉर फेसबुक। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास में शॉपिंग रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस आएंगे वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, मतलब ये काम कर रहे हैं ऐसे है कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी देखते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के और प्लेटफॉर्म्स में, उसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास में जो एड्स आएंगे शॉपिंग रिलेटेड वो उसी हिसाब से आएंगे। तो ये एड रिकमेंडेशन मान लो आप शॉपिंग के लिए, अब क्योंकि इंस्टाग्राम भी बहुत जल्दी ऐड से भरने वाला है तो कहीं ना कहीं जो शॉपिंग वाला है, जो ये ई कॉमर्स वाले जो बंदे हैं जो एक्चुअली में इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में सेल करते हैं, उन लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है इस पर्टिकुलर फीचर से, क्योंकि सेल बढ़ेगी, रिकमेंडेशन बढ़ेगी। तो इफ़ इन केस यू आर इन टू कॉमर्स, थिंक अबाउट ई कॉमर्स एंड गेट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इमीडिएटली। चौथा, अगेन रिलेटेड टू कलर कलर कलर, क्योंकि पहले लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका प्रोफाइल का कलर आप चेंज कर पाएंगे बहुत जल्दी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे। तो यहाँ पे आपके पास में चैट कलर का भी ऑप्शन है जो देखिएगा कुछ इस तरीके से, अगर आप लोग चैट को कस्टमाइज करना चाहें, कुछ कलर चेंज करना चाहें, दूसरे का जो मैसेज आता है वो कौन से कलर में आए, वो सभी चीज़ें, तो ये पर्टिकुलर फीचर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो चैट में कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब फीचर ही हो ये तो वही करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं नंबर 5 न्यू इंस्टाग्राम फीचर, वो होगा DM me वाला स्टिकर। अब ये DM me वाला स्टिकर कैसे काम करेगा, आपकी इंस्टा स्टोरी में आपको एक स्टिकर मिलेगा जो कि होगा DM me। अगर आप लोग उसको वहाँ पे ड्रैग करते हैं और अगर आपको कोई मैसेज करना चाहे तो डायरेक्टली उस स्टिकर पे टैप करके वो आपको मैसेज कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप किसी को मैसेज करते हो तो कहीं ना कहीं वो मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता है, अगर ये स्टिकर रहेगा तो ये मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी स्टोरी के बॉक्स में जाएगा, मतलब उसी स्टोरी से रिलेटेड, क्योंकि DMs होंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाएगा। जैसे वो होता है ना क्वेश्चन वाला जो टैब होता है, जब भी कोई आंसर करता है उसको तो वो स्टोरी के ही, जब आप फीचर में मतलब उसके डिटेल्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल नज़र आ जाती है। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है ये DME भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होगा उसी चीज़ से। और अगर आप फेसबुक के बहुत ही ज़्यादा यूज़र हैं तो फेसबुक में भी इसी तरीके का फीचर वो लोग टेस्ट कर रहे हैं अभी, जो कि होगा हिट मी अप। अगर आप अपनी स्टोरी में ये स्टिकर को डालते हैं तो कोई भी आपको मैसेज कर पाएगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ना हो, वो आपको मैसेज कर पाएगा। दीज टू थिंग्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि रिक्वायर्ड है इतनी, पर हाँ उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जो शायद आपको मैसेज ही नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, मे बी पॉसिबली। सो यार देख लेना किस तरीके से हेल्प करता है आपको। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 6, ये उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा जो कहीं ना कहीं कांड करते रहते हैं और जैसे ही किसी चीज़ में फंसते हैं अपना यूज़र नेम चेंज कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम ने एक्चुअली में क्या किया है कि उन्होंने लिमिट कर दिया है, ये ऑलरेडी शायद ये प्रोसेस में चल रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यूज़र नेम चेंज करने का ट्राई करा नहीं, क्योंकि मुझे करना नहीं है। तो आप अप टू 2 टाइम्स
14 दिन के पीरियड में अपने यूजर नेम को चेंज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पहले आपके पास में अनलिमिटेड ये चीज़ थी अवेलेबल कि आप जब चाहो जितनी भी बार चाहो यूजर नेम चेंज कर सकते, तो अब आप 14 दिन में सिर्फ दो ही बार कर पाओगे, दो बार कर दोगे उसके बाद में वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे ही 14 दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आप यूज़र नेम चेंज कर पाओगे दोबारा। तो कितना हेल्पफुल है कितना नहीं है सिक्योरिटी वाइज आई एम नॉट रियली श्योर, पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलना कि इन 6 फीचर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है और आप कौन सा फीचर सबसे जल्दी पाना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन ओपन है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना @AkhilKhatri, और सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली, एथिकली एंड प्रॉपरली, क्योंकि जितनी जल्दी कोरोना जाएगा उतनी जल्दी हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे। काफ़ी गंदी गंदी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। वाइज़ैक का जो अभी गैस वाला इशू हुआ, तो माय डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू ऑल द पीपल हु एक्चुअली गॉट अफेक्टेड विद दैट। आप भी प्रे करिए, और प्रे के अलावा अगर कुछ डोनेशन कर सकते हो डायरेक्टली किसी को तो वो भी करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, टेक केयर।